आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। गोहाना रोहतक रोड पर वार्ड नंबर 16 में आर्यनगर में रहने वाले किन्नरों के साथ रोहतक के मकरोली खुर्द के पास मारपीट कर तीन किन्नरों का अपहरण कर लिया गया। हालांकि बाद में दो को छोड़ दिया गया, लेकिन एक किन्नर रात से ही लापता है। दो जिलों में मामला उलझा होने के चलते अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की है, लिहाजा अब किन्नरों ने मीडिया में मदद ली है। दरअसल ये किन्नर कल बधाई मांगने रोहतक के मकरोली खुर्द में आई थी, तभी वहां रोहतक के रहने वाले संतोष उर्फ लीलो ने दो दर्जन से भी अधिक युवकों के साथ पहुंचकर उन पर जमकर डंडे बरसा दिए। इस घटना में इन किन्नरों का एक ढोलकिया भी बुरी तरह से घायल हो गया। पीड़ित के मुताबिक उन्हें लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा गया है। किन्नरों की प्रधान स्वीटी व अंजलि ने बताया कि संतोष और लीलो वहां लड़कों और लड़कियों को जबरदस्ती किन्नर बनाकर उनसे बधाई मांगने का काम करवाते हैं। लिहाजा इस दौरान जब वे बधाई मांगने जा रहे थे तो इलाके को लेकर उनके आपस में बहस हो गई और जिस कारण उनकी जोरदार पिटाई कर दी गई। इन किन्नरों का आरोप है कि जब इसकी शिकायत लेकर वो रोहतक सदर थाना पहुंचे तो उनकी शिकायत तक नहीं सुनी गई, लिहाजा तंग आकर उन्होंने अब मीडिया से मदद की गुहार लगाई है। जिसमें हम बधाई के ऊपर गए तो वहाँ संतोष है, कोई लेडीज वहाँ पे रहती है, गौशाला खोली हुई उसने और उसके साथ राजेंद्र है। वो गुंडे बदमाश लेके आए गाँव में, हमारे साथ मारपीट की गई, हमारे पास खूब डंडे बरसाए गए और ये जो लड़का दिखा रहा था ना, इसको खूब चोटें मारी गई। हम जैसे भी बच बचा के घरों में छुप के झाड़ियों में छुप के जैसे भी बच बचा के हम आ गए, ठीक है। हम वहां गए, हम फिर यहां से रोहतक सदर थाना में गए, दरखास्त लिखवाने। वहां हमारी अपील नहीं सुनी गई, वहां हमसे SHO से बातें हुई, वहां पे हमारी जोर जबरदस्ती से हमारे पता नहीं क्या लिखा कागज पे, क्या नहीं लिखा, कोरे कागज पे हमारे साइन ले लिए गए जबरदस्ती से, ठीक है। जबरदस्ती हमसे सब कुछ वहाँ पे लिखवाया गया। मेरी सरकार से हाथ जोड़ के यही विनती है कि हमारा न्याय किया जाए। मेरे साथ तो बहुत बदतमीजी की हुई है जी। रोहतक की जो लुगाई है ना, लीलो लीलो बोलते हैं, उसके लुगाई बाईपास में रहती है, गोंडे बदमाश रहती है, बहुत बदतमीजी करी है जी। मेरा एक चेला उसको पता नहीं कहाँ लेगी, वह कहाँ लेगी, मेरा चेला वहां से गिरफ्तार कर लिया, उसको पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया जी। मेरा चेला मुझे मिलना चाहिए, कोई कोई बात का न्याय करो जी, इस बात का न्याय करो। तो मैं रोता कोई दरखास्त दे दी, मेरी दरखास्त मिल ली जी, मेरी कोई सुनानी करे। मेरा मुंडा मेरा ढोलक बजाता है जी, हम किन्नर लोग नाच गा के मांग के खाते हैं जी। मेरे ढोलक वाले के साथ से बहुत बहुत चोट मार रखी है, बहुत बहुत बदतमीजी कर रखी जी। मेरा चेला मुझे मिलना चाहिए, ये न्याय करो जी, हाथ जोड़ के विनती है जी। मेरा चेला कहीं से भी कहीं मुझे दिलवाया जाए जी। वहीं इस मामले में गोहाना सिटी पुलिस के SI वजीर ने बताया कि उनके पास ये शिकायत लेकर आए थे, लेकिन मामला रोहतक के होने के चलते वो इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद भी खुद इनकी मदद के लिए वो दो बार रोहतक सदर थाना पुलिस के पास गए थे, लेकिन इस मामले में रोहतक पुलिस भी ही कार्रवाई करेगी। ऐसे में अब इन किन्नरों ने मीडिया से ये गुहार लगाई है कि किन्नर मकरोली खुर्द गांव में अपनी बधाई मांगने गए, वहां बधाई मांगते समय राजेंद्र की वाइफ जो लीलो कहते हैं, काली भी कहते हैं, संतोष नाम है, वह अपने साथ दो ऑटो में गुंडों को भर के लेके गई। वहां जाके इनके साथ अच्छी मारपीट वो की और इनको तीन किन्नरों को, एक जिनमें एक ढोलकी वाला था, उठा ले गए। ढोलकी वाला तो गब्रा मनोज गांव के पास मिला और एक उनके रोहतक नजदीक मिला। तीसरा पे एक अन्नू नाम की किन्नर है जो इनके साथ रहती, गजेलू ग्रेजुएट लड़की है, वो उसका अब तक कोई अता पता नहीं है। फिर ये हमारे पास थाने में आए हैं, हमने तक एग्जैक्टली मैं खुद इनके साथ रोहतक गया, वहां पर राजेंद्र भी लुल्लो भी कोई नहीं मिला, काली डर। मैं वापस आ गया, इनको समझा दिया भाई सारा मामला रोहतक जिला का है, आप SP रोहतक से मिलो, SHO सदर रोहतक से मिलो, हमें इसका कोई कह जाओ, उनकी बात सरकार तक पहुंचाई जाए, क्योंकि जिस तरीके से उनके एक साथी का अपहरण हुआ है और उसके बाद कोई FIR नहीं दर्ज की गई, ऐसे में पुलिस क्या उस अपहरण हुई किन्नर को ढूंढ पाएगी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। वहीं दूसरा पुलिस के रवैये पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। गुहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।